दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एंड आज हम अपना एडवांस वीडियो देखने वाले हैं गाइस, चैप्टर नंबर 8 का। ओके, चैप्टर नंबर 8 का, उसके बाद 9 का देखेंगे, 11, 12, ओके उस तरीके से 15 तक। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो है हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 8 का अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा, अगर आपने उसका PYQ वीडियो नहीं देखा, तो ये एडवांस वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज बेसिक वीडियो में आपको ये चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आते हैं, थोड़ा आपको इजी थिंग्स है ये बेसिक वीडियो में। PYQ वीडियो में आपको इसी चैप्टर के ऊपर लास्ट ईयर को कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये समझ में आता है। और जब आप एडवांस क्वेश्चन देखते हो, तब जो क्वेश्चंस है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, जिनके अंदर हार्डनेस लेवल ज़्यादा है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस वीडियोस के अंदर लिए जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर के ऊपर, और आपको एक अंदाजा लगने लगेगा कि कैसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए ये एडवांस वीडियो देखने से पहले ये दोनों वीडियो आप देख लो। उसके बाद आपको ये बेसिक वीडियो, PYQ वीडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। सो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे ही, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 8 के एडवांस वीडियो को। ओके, इसके अंदर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कॉलम ए है विद कॉलम बी, ओके, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा समझ लो इसको। ओके, हमारे पास दो कॉलम है, आपको मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहला है प्रोटिस्ट, देने आर्केनाइट्स, देने इंसेक्ट्स एंड देने टर्टल्स। तो यहाँ पे आपको समझना है उसके आगे क्या है, बुक लंग्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन कोका, देने ट्रैकियल ट्यूब्स। तो अभी ये क्या है, ये क्या है, अभी देखो, ये है ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम उसको एनिमल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल्स। तो ये है एनिमल्स, और इसके सामने जो दिया गया है गाइस, ये है रेस्पिरेटरी सरफेस। मतलब क्या होता है, ओके, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब ऐसी जगह जिस जगह से उनके अंदर बाहर मतलब एयर लेते हैं। अभी अगर ह्यूमन बींग की कंसिडर करें, बात करें, तो हमारे ह्यूमन बींग के अंदर जो हमारे नोज है, सो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो रेस्पिरेटरी सरफेस लगता है, मतलब ऐसा सरफेस, ऐसी जगह जहाँ से गैसेस अंदर बाहर जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। और ये रेस्पिरेटरी सरफेस अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि प्रोटिस्ट, ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, इनके अंदर कौन सा सरफेस होता है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, ओके। आर्केनाइट्स के अंदर कौन से जगह होते हैं, या फिर कौन सा सरफेस होता है जिनको रेस्पिरेटरी सरफेस एज यूज करते हैं, जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ये आपको बताना है। ओके, आपके शुरुआती में ही, आपके बुक में स्टार्टिंग में ही एक चार्ट दिया गया है आपको, अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लो, बिकॉज चार्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी चार्ट पे ये क्वेश्चन है डिपेंड, उसके अंदर बताया गया है ये। ओके, इसका जो आंसर है वो है गाइस सी। इसका आंसर क्या है, सी। मतलब क्या कि जो फर्स्ट वाला है वो, मतलब प्रोटिस्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, अपना जो गैसेज है वो एक्सचेंज करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रेस्पिरेटरी सर्फेस होता है प्रोटिस्ट के अंदर। उसके बाद है आर्केनाइट्स, ओके, आर्केनाइट्स के अंदर जो है वो बुक लंग जो है, बुक लंग्स, ये क्या होता है, एज अ रेस्पिरेटरी सर्फेस होता है। उसके साथ ही साथ इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर कौन सा होता है बताओ, क्लोका या फिर ट्रैकियल ट्यूब्स। तो आप नीचे ऑप्शन में बता दो कि सीधा ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, उसके बाद लास्ट में इंसेक्ट, उनके लिए होता है क्लोका। ओके, तो ये सभी क्या है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये एनिमल्स है, समझ में आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MSCET के अंदर, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। फॉलोविंग्स आर द पार्ट्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी आपको यहाँ पे बताना है कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से बताओ, इसके अंदर ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, देन ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बताओ यहाँ पे, उसके नाम पढ़ो आप सीधा। तो गाइस, इसका जो आंसर है ना, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके रेस्पिरेटरी सरफेस कौन कौन से होते हैं।
तो जो लैरिंग्स है ये रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, देन ब्रॉन्चिया रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, एंड जो ट्राइकिया ये रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। सो यहाँ पे जो नोजोफेरिंग्स एंड नेजल कैविटीज है ये गाइज होते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें से ये तीनों जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेजल पैसेज। ओके, जो नेजल पैसेज है मतलब जो नाक के अंदर हमारे नोज के अंदर जो हॉलो जगह होता है, पैसेज होता है, जिसको हम पैसेज कहते हैं, उसका क्या फंक्शन नहीं होता, मतलब नीचे तीन फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन नहीं है, वो आपको ढूंढना है। पहला है फिल्टरिंग एयर, स्मेलिंग एयर, देन मॉइस्चरिंग एयर एंड एब्जॉर्बिंग O2। तो यहाँ पे इसका आंसर बताओ क्या है। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है ऑब्जॉर्बिंग O2, जो ऑक्सीजन है वो ऑब्जॉर्ब नहीं करता। बाकी स्मेलिंग एयर, एयर का स्मेल आ सकता आता है वहाँ से, पैसेज से फिल्टर होती है एयर, बिकॉज हमारे पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ओके, मतलब फिल्टर हो रहा है। एंड मॉइस्चरिंग, जो बाहर से अगर गर्म हवा आ रही है ना, वार्म एयर अंदर आ रही है, तो अंदर जाके वो क्या होगी, मॉइस्ट होगी, ये ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। ओके, ऑरोफेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए ऑरोफेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब तीन होंगे करेक्ट, एक होगा इनकरेक्ट। देन टॉन्सिल्स आर द लिम्फोइड ऑर्गन। देन इपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू अ ट्रैकिया, एंड देन ट्रैकिया इज लाइंड बाय द कंप्लीट कार्टिलेज रिंग। तो बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, ट्रैकिया इज लाइंड बाय द कंप्लीट कार्टिलेज रिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर गलत है, बिकॉज ये कंप्लीट कार्टिलेज जो लिंक नहीं होती, इसकी रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेज लिंक रिंग होती है। ओके, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 5, वॉइस इज प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द, जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होता है बाय पैसेज ऑफ एयर, एयर का पैसेज किन दो बीच में का। ओके, पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द, बताओ। फर्स्ट है ट्रैकिया, ग्लोटिस, देन है इपिग्लोटिस एंड वोकल कॉर्ड्स। तो क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो एयर का पैसेज होता है वो वॉइस को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पल्मोनरी रेस्पायरेशन इज। जो पल्मोनरी रेस्पायरेशन है उसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, उसका फंक्शन वो कैरिड आउट करने का काम करता है, वो यूनिट कौन सा है। ओके, बताओ। इसका जो आंसर है ना गाइज वो है ऑल्वियोलस। ऑल्वियोलस क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन अ पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ओके, पल्मोनरी रेस्पायरेशन के अंदर, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 7, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो नीचे में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कंडक्टिंग सिस्टम में ये जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, नीचे में जो भी ऑर्गन दिए गए हैं हमको हमको ठीक है। तो कंडक्टिंग पोर्शन मतलब क्या, कि जो एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ कोई भी सब्सटेंस को, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसको ले जाएगा, एयर को। जो ऐसा पोर्शन, ऐसी जगह जो एयर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा है पार्ट, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। ओके, कंडक्टिंग पोर्शन हम उसको जैसे कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कंडक्टिंग पोर्शन नहीं है ये आपको बताना है। तो गाइज इसका जो आंसर है ना वो है ऑल्विओलाई, बिकॉज जो हमारा ब्रॉन्चियोलस है, यहाँ से एयर पैस होता है, फैरिंग से भी और नोज से भी। नोज से हमारे क्या होता है, एयर अंदर जाता है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, कंडक्टिंग पोर्शन है। नोज क्या है, कंडक्टिंग पोर्शन। ब्रॉन्चियोलस क्या है, कंडक्टिंग पोर्शन। फैरिंग्स क्या है, कंडक्टिंग पोर्शन है। लेकिन जो ऑल्विओला है ये किसी भी गैसेस को कैरी नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब ये क्या है, एक कंडक्टिंग पोर्शन नहीं है। और आपको क्या पूछा है, डज नॉट। ओके, कोई कौन सा नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, आपको करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है, करेक्ट इवेंट ढूंढना है। ओके, रेस्पिरेटरी जो गैसेस है वो ट्रांसफर होते हैं ना, तो उसका आपको करेक्ट क्या करना है, सीक्वेंस ढूंढना है। ओके, सो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ। देखो, सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। उसके बाद जो एयर होती है, जो गैसेस होते हैं, वो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। उसके बाद होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। ओके, सबसे पहले बाहर का, देन उसके अंदर का, मतलब इंटरनल, उसके बाद अंदर सेल, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस इवेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्ट्रक्चर इन मैमल्स डज नॉट हेल्प इन रेस्पायरेशन। नीचे में मैमल्स जो होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मैमलरी ग्लैंड होती है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हम जिनको कहते हैं, तो ये जो मैमलरी ग्लैंड होती है मैमल्स के अंदर, जिनको मैमल्स कहते हैं, तो यहाँ पे रेस्पायरेशन होता है, लेकिन नीचे में कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर हेल्प नहीं करता है। ओके, डज नॉट हेल्प इन रेस्पायरेशन, वो आपको बताना है। स्ट्रक्चर रिब्स, देन एब्डोमिनल मसल,
देन है डायफ्रैगम एंड ट्रैकिया। तो इसका जो आंसर है ना गाइस वो है एब्डोमिनल मसल। तो रिब्स कैसे हेल्प करते हैं पता है आपको? रिब्स जो हमारे चेस्ट के ऊपर जो ऐसा केज होता है, केज बोन का केज होता है ना जिसको हम पिंजरा कहते हैं, तो वो जो हेल्प करते हैं कैसे, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो पिंजरा अंदर जाता है, जब हम सांस को छोड़ देते हैं ओके हवा को छोड़ देते हैं तो पिंजरा बाहर आता है, मतलब इसकी क्या होती है मूवमेंट। तो इसलिए रिब्स हेल्प करते हैं, डायफ्रैगम भी हेल्प करता है और ट्रैकिया भी हेल्प करता है। ओके तो ये ध्यान में रखना बेसिक वीडियो के अंदर, डायफ्रैगम क्या होता है ओके जिसको हम डोम शेप होता है ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ट्रैकिया भी, मतलब ये तीनों हेल्प करते हैं। एब्डोमिनल मसल हेल्प नहीं करता किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। नीचे में जो इंस्पायरेशन, देखो रेस्पायरेशन जो है आपको पता है रेस्पायरेशन ओके, रेस्पायरेशन में दो इवेंट होते हैं रेस्पायरेशन ओके, रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन में दो इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक होता है इंस्पायरेशन, होता है इंस्पायरेशन ओके, एंड सेकंड होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में जो एयर है ना वो अंदर आती है और एक्सपायरेशन में एयर को हम बाहर छोड़ते हैं, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि यहाँ पे डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, नीचे में इवेंट दिया गया है लेकिन इंस्पायरेशन जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो नीचे में कौन सी ऐसी इवेंट है जो नहीं होती? पहला है द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज हवा को अंदर लेते हैं हम। देन द रिब्स आर पुल्ड आउट आउटवर्ड, जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हमारे जो रिब्स है वो बाहर की यहाँ पे आते हैं ओके, बाहर की, देखो आप बाहर के मतलब जगह पे आते हैं, जैसे आप सांस को अंदर लो आपकी देखो चेस्ट के अंदर जो रिब्स है वो बाहर आते हैं। उसके बाद द डायफ्रेगम लिफ्ट्स अपवर्ड, जो अपना डायफ्रेगम है ओके वो ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, तो इसका जो आंसर है ना गाइज वो है सी, जो डायफ्रेगम है ना वो लिफ्ट अपवर्ड नहीं होता, वो डाउनवर्ड लिफ्ट होता है ओके, वो कहाँ पे लिफ्ट होता है? डाउनवर्ड। तो इसलिए यहाँ पे इसका ये आंसर ये है, मतलब ये गलत है सी वाला। और डी वाला क्या है? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? उसके अंदर कितनी हवा है, अभी हमारा थोरेसिक के अंदर हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो हवा अंदर आ रही है ना हमारा थोरेक्स, थोरक्स के अंदर, तो हमारे थोरेसिक के अंदर हवा आएगी तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा ना ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बिकॉज हवा अंदर आ रही है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 11, जो कि है कंप्लीट द एनालॉजी, एनालॉजी कंप्लीट करना है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय प्लाज्मा 7% एंड ट्रांसफर ऑफ CO2 बाय द बायकार्बोनेट आयंस ये कितना परसेंट है आपको बताना है ओके। जो CO2 ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा वो 7% करता है, जो CO2 बायकार्बोनेट आयन से ट्रांसफर होता है वो कितने परसेंट होता है? तो इसका आंसर गाइस 70%। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 12, 12 नंबर का क्वेश्चन है ब्लड कंटेन CO2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, जो CO2 है वो डायरेक्टली CO2 ब्लड के अंदर नहीं होता, उसका एक फॉर्म होता है, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? तो गाइज वो है NaHCO3, कौन सा फॉर्म में होता है? NaHCO3। देन क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द एनोलॉजी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय द प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 3% एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय द हीमोग्लोबिन ओके, हीमोग्लोबिन जो है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है? तो इसका आंसर है गाइस 97% ओके, क्या है? 97%। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 14, जो कि है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, जो वाइटल कैपेसिटी है उसको हम कैसे कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी क्या है ओके। सो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है गाइस वो है फर्स्ट वाला ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो क्या है वो हमने सिंपल में पूरा पढ़ा है बेसिक वीडियो के अंदर ओके, बेसिक वीडियो, तो अगर आपने वो देखा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखा तो उसको पहले एक बार जाके देख लो ओके। यहाँ पे फर्स्ट का मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग फॉर्म ये है टाइडल वॉल्यूम ओके, बाकी का आपको ढूंढना है, आपको बताना है ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। लेकिन ये टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होता है ये बता देता हूँ, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स मतलब क्या, कि जो हम एयर, देखो अभी इंस्पायरेशन मतलब हम हवा को अंदर लेते हैं बॉडी के, तो हवा को एक बार अंदर लेने के बाद हम कितनी अमाउंट में, कितनी मैक्सिमम अमाउंट में हवा को बाहर छोड़ सकते हैं उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स एक बार हवा को अंदर लेने के बाद कितने ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा को बाहर छोड़ सकता है उसको हम बोलेंगे टाइडल कैपेसिटी ऑफ वाइटल, सॉरी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स ओके। सो टीवी क्या है? टाइडल वॉल्यूम। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 15, जो कि है पिक आउट द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच आपको क्या करना है, पिक आउट करना है ओके। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे उसका लॉन्ग फॉर्म भी ऊपर के नीचे मिल गए, देखो टाइडल वॉल्यूम टीवी, उसके बाद आई आर वी वॉल्यूम मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
एंड ई आर वी वॉल्यूम मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो अपना टोटल वॉल्यूम होता है मैक्सिमम, मतलब हम हवा को मैक्सिमम कितने बार छोड़ सकते हैं, वो है 500 ml। क्या ये करेक्ट है? जी हाँ ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर जो अपना ऑप्शन बी है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2000 to 3000 ml। जी हाँ ये भी करेक्ट है। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 150 ml होता है क्या? एंड जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है वो होता है 1100 to 1200 ml। तो ये भी करेक्ट है। तो ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है गाइज ये है रॉन्ग, मतलब यहाँ पे ये क्या है इनकरेक्ट है। और ये आपको बताना है कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ई आर वी हम जिसको बोलते हैं वो कितना होता है वो आपको कमेंट करना है। ओके आप ऐसा कमेंट करोगे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके आगे उसका जो आप क्या लिख दोगे अमाउंट लिख दोगे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इन मैन। टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी है फिर लंग्स के अंदर बताओ। सो यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, ओके टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम ध्यान में रखना। वाइटल कैपेसिटी मतलब ये पूरी, ये तीनों को मिला के, ये जो है वो सबको मिला के। तो देखो आप सबको मिला के कितना होगा, अब ये तो आपको पता ही है। ओके ये उसके बाद इसके एडिशन इसके साथ देन ये और ये जो है ये आपको पता नहीं। ओके तो इसके एडिशन तो नहीं होगा, ये थर्ड वाले की एडिशन होगा। दो की वैल्यू आपको पता है ऊपर के, लेकिन सी की वैल्यू पता नहीं है। वो सी की वैल्यू मालूम करके आप उसको एडिशन कर दो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4600 ml। और ये है टोटल वाइटल कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। ओके ये ध्यान में रखना, जो अपना लंग्स मैक्सिमम कितनी हवा को बाहर छोड़ सकता है वो है अपनी वाइटल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम ये वाइटल कैपेसिटी का एक पार्ट है। ओके देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला है रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन मॉन्स एंड मेड्यूला। ये क्या है? पॉन्स एंड मेड्यूला क्या है? ये अपना ब्रेन का पार्ट है। ओके देन बी इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर्स इज लोकेटेड इन मेड्यूला। देन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला एंड देन एपन्यूस्टिक सेंटर इज एंटेगोनिस्टिक टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये सभी आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके इनकरेक्ट कौन सा है? तो गाइस यहाँ पे इसका जो इनकरेक्ट है वो है सी न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला। तो ये मेड्यूला में लोकेटेड नहीं होता, तो कहाँ पे लोकेटेड होता है ये आपको बताना है। सो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो लोकेटेड होता है गाइस पॉन्स के अंदर, पॉन्स। ओके तो ये मेड्यूला के अंदर नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द एनोलॉजी। इम्पीसेमा मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एल्विओलाई। एल्विओलाई जो एल्विओलाई होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इम्पीसेमा में। एंड ऐसा उसके बाद आपको ये ढूंढना है कि ऐसा डिसीज जिसके अंदर जो ब्रॉन्चुलस है वो उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वो छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका गाइज आंसर है वो है अस्थमा। ओके यहाँ पे क्या होगा फिर? अस्थमा होगा। अस्थमा मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्चुलस। और इम्पीसेमा मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एल्विओलाई। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 19, 19 है चूज द स्कीमेटिक। ओके स्कीमेटिक डायग्राम विच प्रॉपरली रिप्रेजेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है, आपको पता है सर्कुलेशन दो टाइप का होता है। ओके सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सर्कुलेशन मतलब क्या कि जो ब्लड है वो मूवमेंट होती है एक बॉडी से पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर आपको एक डायरेक्शन बतानी है उसकी। ओके बेसिक वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, बेसिक वीडियो देखो। ओके तो यहाँ पे मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाता है लंग्स तक, और लंग से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स, ओके राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स की तरफ जब ब्लड, और यहाँ पे जो लंग्स है ओके वहां पे वो कैसा होता है DO2 मतलब डी ऑक्सीजनेटेड। ओके उसके बाद वो लंग्स से आता है कहाँ पे जाता है? लंग्स से, लंग्स से जाता है लेफ्ट ऑरिकल तक, लेफ्ट ऑरिकल तक, लेकिन वो फिर ऑक्सीजनेटेड होता है मतलब लंग्स में जाने के बाद वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन है सर्कुलेशन बिटवीन हर्ट एंड लंग्स, जो हर्ट एंड लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ओके एंड द सर्कुलेशन बिटवीन हर्ट एंड बॉडी पार्ट उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, जो कि है द फ्लो ऑफ ब्लड इन क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फॉलोज।
ओके सो जो फ्लो होता है ब्लड का वो कहाँ से कहाँ तक होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मेनली होता है हार्ट, हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है ना, हार्ट से ही तो ब्लड फ्लो होता है पूरे बॉडी तक, हार्ट से जाता है ऑर्टा में। ओके पहला सर पहला सभी का सभी जो ब्लड ब्लड होता है ना वो डीऑक्सीडेटेड होता है, वो आता है हार्ट की तरफ, और हार्ट में वो ऑक्सीजनेटेड, हार्ट क्या करता है उसको लंग्स की तरफ भेजता है और लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद हार्ट से वो जाता है ओर्टा में, ओर्टा से आर्टरीज में, उसके बाद एल्ट्रियोलस में, उसके बाद कैपिलरीज में, देन वेन्स एंड लास्ट में हार्ट के अंदर आता है। समझ में आ गया? तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये आर्टियोल्स के अंदर जो कैपिलरी है वो कैपिलरी वेन एंड देन अगेन हार्ट तक, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ये दूसरा वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड का आने वाला हार्ट तक, और ये पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी पार्ट तक जाने वाला रास्ता। ओके देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 21। 21 है यहाँ पे एसर्शन है, पहला है आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, आरबीसी रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। देन रीजन क्या है, देखो द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंटेन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज साइटोप्लाज्म जो होता है आरबीसी का वहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इसके कारण जो आरबीसी है वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करते हैं। तो क्या बताओ यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स एंड बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइज ए, बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है, एंड जो बी दिया गया हमको, ओके जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ए का आर, ए का एक्सप्लेनेशन दिया गया आर, वो एग्जाम करेक्ट है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 22, बेसोफिल्स आर रिलेटेड टू एलर्जी कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो बेसोफिल्स होते हैं वो एलर्जिक कंडीशन में से रिलेटेड होते हैं, तो क्यों रिलेटेड होते हैं, क्यों उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो गाइज उसका आंसर है हिस्टामाइन, क्या प्रेजेंट होता है हिस्टामाइन। ओके बिकॉज वो हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो रिलेटेड है किसके साथ, एलर्जिक कंडीशन के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक स्पेस डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस एंड स्कैवेंजर सेल्स विच रिमूव द डैमेज एंड डेड सेल्स टू क्लीन क्लीन द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस मतलब क्या कि वो डायरेक्टली दूसरे सेल को, मतलब जो डेड सेल है, ओके जो हार्मफुल सेल है उसको खा लेते हैं। ओके उसको या फिर उसका क्या है, उसको हम एक तो माइक्रोफेजेस कहते हैं या फिर स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब साफ सफाई करने वाले, तो फिर कौन होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना जो मोनो मोनोसिट्स होता है, मोनोसिट्स ये ऐसे सेल होते हैं जो स्कैवेंजर है, जो माइक्रोफेजेस है अपने बॉडी के अंदर, वो जो डेड सेल है उसको साफ कर देते पूरा, उसको खा लेते, इसलिए हम उसको माइक्रोफेजेस या फिर स्कैवेंजर कहते हैं, वो है गाइज मोनो मोनोसिट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल हैव लीस्ट कंसिस्टेंट साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, ओके यहाँ पे जो साइज जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है, ओके वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लीस्ट है, मतलब कम कंसिस्टेंट है, मतलब अलग अलग पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो गाइज का आंसर है गाइज WBC, बिकॉज WBC में दो टाइप होता है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकंड होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स एंड देन एक ग्रैन्युलोसाइट्स, तो यहाँ पे अगेन ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर कितने होते हैं बताओ, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर होते हैं दो नहीं तीन होते हैं ना, एसिडोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, और अपने अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर दो होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, तो इसलिए यहाँ पे जो इनका जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो अलग अलग होता है। ओके यहाँ पे दो सेल के अंदर और यहाँ पे तीन, अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे ये लीस्ट कंसिस्टेंट होती है साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस WBC के अंदर। ओके देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 25। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट, अभी देखो जो हमने वहां पे बताया था यहाँ पे पांच है ना, तो यहाँ पे चार आपको डायग्राम में दिए गए ये चार्ट में, और उसके आगे के जो न्यूक्लियस है उसके आपको शेप ढूंढना है। ओके तो बताओ यहाँ पे अभी क्या होगा, देखो मोनोसिट जो होता है ना, मोनोसिट ये सेल है कि नहीं, अपना WBC का एक टाइप है सेल का, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये ऐसा, मतलब थोड़ा बड़ा एज कंपेयर टू सेल, ओके ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं किडनी शेप न्यूक्लियस, इसका जो आंसर है ना गाइज वो है सी, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है सी। ओके तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हो इओसिनोफिल का क्या होगा, उसका होगा ये बायलोब्ड, ओके मतलब ऐसा दो लोब जिसको है वैसा, उसके बाद ये थर्ड वाला जो है वो लिम्फोसाइट, इसका कैसा होगा ये थोड़ा लार्जर न्यूक्लियस, ओके एज कंपेयर टू सेल, और ये कैसा होता है ये किडनी के जैसा, ऐसा किडनी के जैसा होता है। ओके और जो अपना न्यूट्रोफिल है गाइस उसका होता है मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर, देखो ऐसा मल्टी लोब आपको वहां पे दिख रहा है, मल्टी आउटग्रोथ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है 26, फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, ओके रॉन्ग मैच आपको यहाँ पे ढूंढना है, इओसिनोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, हाँ करेक्ट है, बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, करेक्ट है,
न्यूट्रोफिल्स फाइगोसाइटेसिस एंड ईट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। एंड मोनोसीड्स सीक्रेट हेपेरिन, तो गाइस जो मोनोसीड्स है ना वो हेपेरिन सीक्रेट नहीं करती। ओके, ये भी क्या होते हैं, स्कैवेंजर हम जिनको कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये है 4 नंबर का क्या है, रॉन्ग मैच है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है हर्ट की, यहाँ पे आपको उसका नाम ढूंढना है। मतलब ये है गाइज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे बताओ फिर आप, जो ए है जो फर्स्ट में, इसका नाम क्या है, बी वाले का नाम, सी वाले का नाम, एंड डी वाले का नाम। ओके, ए बी सी डी। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है गाइज वो है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के नाम। उसके बाद जिन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, जो कि है ब्लड फ्रॉम द हेड नीक एंड आर्म एंटर द हर्ट बाय द वे ऑफ, जो ब्लड होता है हेड से नीक से हमारे आर्म से हाथों से जो हर्ट की तरफ एंटर होता है वो कौन से रास्ते से, वे ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे ध्यान में रखना वो है सुपीरियर वेना कैवा। ओके, और अपने पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है वो होता है इंफीरियर वेना कैवा, बॉडी पार्ट से लाता है वो होता है सुपीरियर वेना कैवा। क्वेश्चन नंबर 30, सिस्टेमिक ऑर्टा अराइजेस फ्रॉम, जो सिस्टेमिक ऑर्टा है वो कहाँ से निकलता है। ओके, इसका आंसर है गाइस लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है सिस्टेमिक ऑर्टा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन म्यूट्रल वॉल्स क्लोज द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक इनटू द, अगर म्यूट्रल वॉल क्लोज हो गया तो ब्लड कहाँ पे नहीं जा पाएगा, डज नॉट फ्लो बैक इनटू द। ओके, जो म्यूट्रल वॉल्स है वो अगर क्लोज हो गए तो ब्लड कहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो इसका जो आंसर है वो है लेफ्ट ऑरिकल। वो कहाँ पे नहीं जा पाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, बिकॉज यहाँ पे देखो ये है अपना। ओके, सो आप देख रहे हो सामने, ओके ये आपका राइट है ना, तो ये यहाँ पे इसका लेफ्ट है। ओके, तो ये आपका राइट है इसलिए ये लेफ्ट, ये लेफ्ट है इसलिए राइट। ओके, ये राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होता है ये दोनों के बीच में, और वो कौन सी वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व होती है। कौन सी होती है, मिट्रल वॉल्व। तो अगर अगर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर ये जो है वो क्लोज हो गया, ये जो मिट्रल वॉल्व है वो बंद हो गई, तो ब्लड कहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो वो कहाँ पे नहीं जा पाएगा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, बिकॉज यहाँ से वो ऊपर नहीं जा पाएगा ना, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर नहीं जा पाएगा। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 32। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना 32 है, जो कि है द सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज, जो सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है। सो गाइस इसका आंसर है हायर देन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 और जो अपना डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। ओके, mmHg, ये 120 mmHg, ये 80 mmHg। लेकिन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है मतलब ऑरिकुलर कॉन्ट्रेक्शन का, मतलब सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रेक्शन का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है देन द रिलैक्सेशन का ब्लड प्रेशर, मतलब डायस्टोल का ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 33, 33 है एंजिना पेक्टोरिसिस ऑकर्स वेन, जो एंजिना पेक्टोरिसिस है एक डिसीज है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, और ये कब होता है, वेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरो, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसका साइज कम हो जाता है, नैरो बन जाती है। देन ड्यूरिंग देन एक्सर्शन व्हेन हार्ट डैमेज मोर ऑक्सीजन। ओके, जब एक्सर्शन मतलब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तब यहाँ पे डिमांड, सॉरी ओके डैमेज कहा था मैंने, डिमांड, हार्ट डिमांड्स मोर ऑक्सीजन, जब हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, अगर हम काम ज्यादा करेंगे तो एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है। और यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन आर्टरी, जो आर्टरीज है हमारी उसके अंदर एक डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस होगा, और उससे क्या होगा, जो हमारा हर्ट है वो हर्ट तक जितना ब्लड चाहिए उतना जा नहीं पाएगा, और हमारा जो हर्ट होगा वो क्या करेगा, पेन, और इसको हम क्या कहेंगे, एंजिना पेक्टोरिस। देन क्वेश्चन नंबर 34, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है। अभी देखो कार्डियक साइकिल आपको पता होगा, द इवेंट एसोसिएटेड विथ वन हर्ट बीट कॉल्ड एस कार्डियक साइकिल। तो इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पी वेव, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड एंड देन परकिंज फाइबर थ्रू द बंडल ऑफ हीज। तो ये जो है वो एस ए नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड से निकले हुए वाइब्रेशन ए वी नोड तक ले जाता है एंड देन टू परकिंज फाइबर, ओके थ्रू बंडल ऑफ हीज, देन उसके बाद परकिंज फाइबर में जाता है बंडल ऑफ हीज। यहाँ पे आप डायग्राम में दे सकते हो, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है एस ए नोड। ओके, ये आपको बाद में है ही, वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, उसके पहले ही जान लेते हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बाद में हमको डायग्राम देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द पेस मेकर इज अब्सेंट इन हार्ट, अगर पेस मेकर अब्सेंट है तो क्या होगा। ओके, ओनली ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन
वुड बी जनरेटेड बाय द ईवी नोड एंड कार्डियक मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। तो यहाँ पे इसका आंसर है जो कार्डियक मसल्स है वो कोऑर्डिनेट मैनर में नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज आपको पता है सबसे पहले हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन ज्वाइंट रिलैक्सेशन होता है, और ऐसी प्रोसेस चलती नहीं रहेंगी। ओके कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा उस प्रोसेस के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 36, इफ ओके इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हर्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस एज, ओके कौन से सिस्टम मतलब ये सीक्वेंस कैसा है उसका वो बताना है। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस है सबसे पहला एस ए नोड, देन ए वी नोड, देन बंडल ऑफ हीज एंड देन परकिंज फाइबर। ओके ये कैसा है यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ये है गाइज एस ए नोड, एस ए नोड ओके पहला। उसके बाद ये वाइब्रेशन पहुंचाता है अपने ए वी नोड तक, यह है अपना ए वी नोड, यह है ए वी नोड। उसके बाद ये जो है यह है बंडल ऑफ हीज, क्या है ये बंडल ऑफ हीज, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ऐसे धागे दिख रहे हैं आपको, यह है परकिंज फाइबर। ओके तो ये सा सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम में नाम बताने होंगे। ओके डायग्राम के नाम यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। ओके ये बाकी आपको समझ में आएगा एस ए नोड क्या होता है कैसा है। एस ए नोड को ही हम क्या कहते हैं पेस मेकर कहते हैं। ओके इसलिए अगर पेस मेकर अब्सेंट हो गया तो कोऑर्डिनेशन मैनर में सीक्वेंस जो हमारा इवेंट है वो नहीं होगा। जो पहले का नाम है गाइज वो है एस ए नोड, पहले का नाम है एस ए नोड, दूसरे का नाम है ए वी नोड और यो वेंट्रिकुलर नोड, और एस ए नोड मतलब सीनो ऑरिकुलर नोड। देन उसके बाद ये जो वॉल्व है ये वॉल्व वो है सेमी नुलर वॉल्व, एंड ये जो है ये है लेफ्ट, चार नंबर का क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके ध्यान में रखना। तो हमारा जो ये दो ऑरिकल होते हैं, ऑरिकल नहीं वेंट्रिकल ना, नीचे वाले वेंट्रिकल ऊपर वाले दो ऑरिकल। ओके तो ये जो है वो हमारा राइट है, इसलिए ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में होता है गाइस मिट्रल वॉल। कौन सा वॉल होता है मिट्रल वॉल होता है, और यहाँ पे जो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में कौन सा वॉल होता है वो होता है सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार। ओके यहाँ पे समझ जाना स्पेलिंग, सेमी ल्यूनार वॉल होता है, ये दोनों वॉल को आपको समझना है। और ये किस लिए होते हैं पता है आपको, बिकॉज जब ये राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आएगा ना तो ये तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नीचे उतर जाएगा ब्लड, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस जाएगा ना ऊपर, तो ये जो वॉल होती है वापस नहीं जाने जाती, ये क्लोज हो जाती है, तो इसलिए ब्लड वापस नहीं जाता, वापस नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा रास्ता होता है जिससे वो लंग्स तक जाता है, समझ में आएगा। तो वापस नहीं जाने के लिए वहाँ पे दो वॉल्व होते हैं, तो ये दोनों वॉल्स आपको ध्यान में रखने की, सेमिनुलर वॉल कौन से दो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में है लेफ्ट या राइट, ये आपको समझना होगा। ओके तो गाइज यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर था अपना 8 रेस्पायरेशन सर्कुलेशन उसके जो क्वेश्चन है वो देख लिए, ये है अपना एडवांस वीडियो, जल्दी ही मैं चैप्टर 9, 10, 11, 12 उसके बाद आगे 15 तक जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।